यूं तो भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं। हर मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है, पर राजस्थान के दौसा जिला स्थित घाटा में मेहदीपुर बालाजी की बात ही अलग है। मेहदीपुर बालाजी को दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए दिव्य शक्ति से प्रेरित हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। यहाँ कई लोगों को जंजीर से बंधा और उल्टे लटके देखा जा सकता है। ये मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। शाम के समय जब बालाजी की आरती होती है तो भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को जूझते देखा जाता है। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ मेहंदीपुर नामक स्थान है। ये मंदिर जयपुर बांदीकुई बस मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हनुमान अंक के अनुसार यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। ये मंदिर तथा यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारिक माना जाता है तथा इसी वजह से ये स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। कहा जाता है कि कई सालों पहले हनुमान जी और प्रियत राजा अरावली पर्वत पर प्रकट हुए थे। बुरी आत्माओं और काले जादू से पीड़ित रोगों से छुटकारा पाने लोग यहां आते हैं। इस मंदिर को इन पीड़ाओं से मुक्ति का एकमात्र मार्ग माना जाता है। मंदिर के पंडित इन रोगों से मुक्ति के लिए कई उपचार बताते हैं। शनिवार और मंगलवार को यहां आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। कई गंभीर रोगियों को लोहे की जंजीर से बांधकर मंदिर में लाया जाता है। यहां आने वाले पीड़ित लोगों को देखकर सामान्य लोगों की रूह तक कांप जाती है। ये लोग मंदिर के सामने ऐसे चिल्ला चिल्ला के अपने अंदर बैठी बुरी आत्माओं के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता है। भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं के निवारणार्थ यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। ऐसे लोग यहाँ पर बिना दवा और तंत्र मंत्र से स्वस्थ होकर लौटते हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। हर बार ये बादशाह असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना ये कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी मन भर ज्यादा हो जाता और कभी दो मन कम हो जाता। असमंजस में पड़े स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। एक बार फिर से नए चोले से एक नई ज्योति दीप्यमान हुई। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ श्री प्रयतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान ज्ञानी भैरव की मूर्तियाँ भी हैं। प्रयतराज सरकार जहाँ दंडाधिकारी के पद पर आसीन है, वहीं भैरव जी कोतवाल के पद पर। यहाँ आने पर ही मालूम चलता है कि भूत और प्रेत किस तरह से मनुष्य को परेशान करते हैं। दुखी व्यक्ति को मंदिर में आकर तीनों देव गणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रयतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में से दो लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं, शेष प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूते प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। उनका मानना है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति को ही वहाँ जाना चाहिए। ऐसा सही नहीं है। कोई भी जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला है, इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेक भक्तों देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं। प्रसाद का लड्डू खाते ही रोगी व्यक्ति झूमने लगता है। भूत प्रेतादि स्वयं ही उसके शरीर में आकर चिल्लाने लगते हैं। कभी वो अपना सिर धुनता है, कभी जमीन पर लौटने लगता है। पीड़ित लोग यहाँ पर अपने आप जो करते हैं वो एक सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है। इस तरह की प्रक्रियाओं के बाद वे बालाजी की शरण में आ जाता है। फरवरी उसे हमेशा के लिए इस तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। बालाजी महाराज के मंदिर में प्रातः और साय लगभग 4-4 घंटे पूजा होती है। बालाजी मंदिर में प्रयतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रयतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है।
प्रयागराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रयागराज सरकार की आराधना की जाती है। प्रयागराज सरकार को पके चावल का भोग लगाया जाता है। भक्तजन प्राय तीनों देवताओं को बूंदी के लड्डुओं का ही भोग लगाते हैं। कोतवाल कप्तान श्री गारोदेव भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पड़ तथा प्रजापति ब्रह्मा का पांचवा कटाशीष रहता है। वे कमर में बाघांबर लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटे हैं। उनकी मूर्तियों पर चमेली के सुगंधयुक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चूल्हा चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरवदेव के अनेक रूपों का वर्णन है, जिनमें एक दर्जन रूप प्रामाणिक हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरवदेव के बाल रूप हैं। भक्तजन प्राय भैरवदेव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरवदेव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में आपके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में आपको उड़द की दाल के वड़े और खीर का भोग लगाया जाता है, किंतु भक्तजन बूंदी के लड्डू भी चढ़ा दिया करते हैं। सामान्य साधक भी बालाजी की सेवा उपासना कर भूत प्रेतादि उतारने में समर्थ हो जाते हैं। इस कार्य में बालाजी उसकी सहायता करते हैं। वे अपने उपासक को एक दूत देते हैं जो नित्य प्रति उसके साथ रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।